नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हिंदी के प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि इससे रिलेटेड कम से कम परीक्षा में 2 नंबर का जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज ही इसी वीडियो में मैं आपको दोस्तों प्रमुख उपन्यास, प्रमुख नाटक और प्रमुख कहानियाँ जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि हर परीक्षा में पूछी जाती हैं, वो भी मैं इसमें पूरा आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सूरदास की। सूरदास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो दोस्तों, इसमें दो में तो सूर लगा हुआ है, तो सूर से सूरदास आप लोगों को याद ही हो जाएगा, और साहित्य लहरी आपको याद करनी है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें ये भी बताता चलूँगा कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है और नॉर्मल इम्पॉर्टेंट। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो जो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताऊँगा उन्हें आप लोग ज़रूर से ज़रूर रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कबीर की। तो कबीर ने कौन सी लिखी है दोस्तों? बीजक लिखी है। बीजक दोस्तों 3 पार्ट में है। कौन कौन सी पार्ट है? साखी, सबद और रामायणी, ये तीनों मिलके ही क्या बनी है? बीजक बनी है, ठीक है। इन तीनों का संकलन जो कर दिया गया है वो बीजक के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर अलग अलग की बात करें तो साखी, सबद, रामायणी, ठीक है। तो तीनों आपको नाम पता होने चाहिए। अब दोस्तों देख लेते हैं तुलसीदास। अब दोस्तों ये काल से रिलेटेड कि ये भक्ति काल में आते हैं, रीति काल में आते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको हिंदी के साहित्य के नाम से एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हिंदी के साहित्य के नाम से वो वीडियो है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारी चीज़ें आपको काल के हिसाब से पूरी बता रखी है। ये सिर्फ और सिर्फ रचना, उपन्यास, नाटक और कहानी से रिलेटेड वीडियो है, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, तुलसीदास बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। तो इनमें कौन इन्होंने कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं की हैं? बरवे रामायण, रामलला नहचू, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका। दोस्तों ये जितने भी यहाँ पे लिखे हुए ये सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको तो ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनके अलावा तुलसीदास से रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ इतनी ही रचनाएं हैं जो कि इनकी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इनको ज़रूर देख लीजिए। आप अगर ट्रिक भी देखना चाहते हैं तो इसमें वली वली लगा हुआ है, गीता वली, कृष्ण गीता वली सब में लगा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे मंगल लगा हुआ है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, इस टाइप से कुछ आपको तुरंत ही याद हो जाएंगे, बाकी को आपको याद करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों मीराबाई, बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या रचना की है? नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद और राग सोल्ठा, ये चारों ही इनकी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है। तो इनको भी ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हैं जो रचनाएं अब आपको दिख रही हैं, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट क्योंकि इनके नाम ज़्यादातर मिलते हैं। जैसे देखिए, खुमान रासो, सम्य रासो आरा, विसल देव रासो, परमाल रासो, तो ये नाम आपको सभी रटे होने चाहिए, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछता है कंफ्यूज करने के लिए आपको, ठीक है। तो जैसे खुमान रासो की रचना किसने की है? दलपति विजय ने की है, ठीक है। बिसल देव रासो, बिसल देव रासो की रचना किसने की है? नरपति नाल ने की है। अब आप ये जितने भी रासो हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही पेज में सारे आपको दे दिए, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। परमाल रासो की रचना किसने की है? जगनीक ने की है, ठीक है। हमीर रासो की रचना किसने की है? सारंगधर ने की है। पृथ्वीराज रासो, जो कि आप जानते ही होंगे, चंद बरदाई ने की है, बहुत ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। विजयपाल रासो ये किसने की है? नाल सिंह ने की है। और सुदामा चरित ये किसने की है? नारोत्तम दास ने की है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। इस पेज में जितने भी मैंने दिए हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, रासो से रिलेटेड वो आपको देगा बार बार, क्योंकि रासो आपने, पृथ्वीराज रासो तो आपने बहुत सुना होगा, चंद बरदाई आप में से सबको पता भी होगा, लेकिन जो बाकी के हैं उनमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए इन सबको भी आप लोग याद कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रसखान की। तो रसखान ने कौन सी रचना की? प्रेम वाटिका, सूजन रसखान, ठीक है। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, इन दोनों को नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों देखिए केशवदास, केशवदास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कई बार वो नाम थोड़ा हटके देते हैं परीक्षा में,
तो उनमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो केशव दास हैं, जो फेमस लोगों से हटके थोड़ा सा देते हैं तो वो केशव दास रहते हैं। रामचंद्रिका, जहांगीर, जसचंद्रिका, विज्ञान गीता और छंदमाला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए और नोट भी करते रहिए। रहीम की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो रहीम ने क्या लिखा, रहीम दोहावली, रहीम सोरठा और बरवे नायिका। तो इसमें रहीम स्टार्टिंग में ही लगा हुआ है, तो आप इससे समझ जाएंगे कि ये रहीम की ही रचनाएं हैं। बरवे नायिका एक आपको याद करना पड़ेगा, बरवे रामायण दोस्तों भी है जो कि अभी मैंने आपको बताया था, उसमें कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइएगा। बरवे रामायण किसने लिखी है, ये लिखी है दोस्तों तुलसीदास ने। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल मत होइएगा कि बरवे से याद कर लिया, बरवे नायिका है ये। ठीक है, तो रहीम से रिलेटेड है। ठीक है, आप देख लेते हैं दोस्तों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनकी ये तीन जितने भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सारे महत्वपूर्ण हैं, और जो जो मैं बताऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप नोट करिए अगर आपको नहीं याद है तो। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में उन्हीं से क्वेश्चन बनेगा और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आगे आपको मैं उपन्यास, नाटक और कहानी के भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो खलिक बारी, हालत ए कन्हैया, नजरान ए हिंदी, ये तीन इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएँ हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पद्मावत, जो जिस पर अभी हाल ही में एक मूवी भी आई थी, आप लोगों को पता ही होगा। और फिर है अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा, ये चारों ही इम्पॉर्टेंट है मलिक मोहम्मद जायसी से रिलेटेड, तो इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं भूषण की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इनकी रचनाएँ क्या हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। दोस्तों तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और तीनों को ही ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, भूषण एक शिवराज भूषण में भूषण लगा है तो इसे आपको पता ही चल जाएगा। शिवा बावनी और छत्रसाल दशक आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं भिखारी दास की, तो भिखारी दास ने कौन सी रचनाएं की हैं, काव्य निर्णय और रस निर्णय। अब दोस्तों इसे याद कैसे करें, तो निर्णय और निर्णय दोनों में निर्णय लगा है, तो ये निर्णय कौन लेगा, भिखारी लेगा, क्योंकि भिखारी के पास कुछ नहीं होता है खोने के लिए, तो वो ही निर्णय ले सकता है कि मुझे अब कुछ और अच्छा करना है। ठीक है, तो आप निर्णय से याद कर लीजिएगा, जहाँ कहीं भी निर्णय है वो भिखारी ले सकता है। ठीक है, तो काव्य और रस निर्णय ये आगे आपको याद कर लेना है। ठीक है, दोनों में निर्णय लगा, इससे आप याद कर सकते हैं। अब दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये इन्होंने कौन सी रचनाएं की हैं, तो प्रेम सरोवर। अब दोस्तों इनके में आपको दो चीज़ें याद करनी है, एक तो प्रेम याद करना है, एक दूसरा विजय से रिलेटेड। ठीक है, विजय से रिलेटेड ये नाम से बहुत ही रचनाएँ करते थे। तो प्रेम सरोवर, प्रेम मिल गया आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम फुलवारी इसमें भी प्रेम मिल गया, प्रेम मल्लिका इसमें भी प्रेम मिल गया, प्रेम माधुरी इसमें भी क्या प्रेम मिल गया, प्रेम प्रलाप यहाँ भी प्रेम मिल गया, प्रेम तरंग यहाँ पे भी आपको प्रेम मिल गया, विजय पताका, विजय में विजय पताका में क्या मिल गया, विजय मिल गया, वीरत्व, वीर जो होता है उसी को तो विजय मिलती है ना, तो इस तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हैं। विजयनी यहाँ पे भी विजय शब्द आ रहा है, इससे क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जहाँ कहीं भी प्रेम से रिलेटेड और विजय से रिलेटेड कुछ भी आए, वो आपका कौन रचना किया होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मैथिली शरण गुप्त की, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इनकी सभी रचनाएँ। तो देखिए कौन कौन सी है, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, जय द्रक्षवध। ठीक है, तो ये सारे ही महत्वपूर्ण हैं, इनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद की भी रचनाएं सारी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सी हैं दोस्तों, चित्रधार, करुणालय, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, झरना, कामायनी, उर्वशी, ये सारे ही महत्वपूर्ण हैं, इनको भी आप लोग नोट कर लीजिए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की, तो इन्होंने कौन सी रचना की है, त्रिधारा, मुकुल और झांसी की रानी। तो दोस्तों इसमें से इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट झांसी की रानी है और त्रिधारा, ये दोनों तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अयोध्या सिंह हरियोध, तो अयोध्या सिंह हरियोध ने क्या लिखा है, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और रस कलश, ये तीनों ही महत्वपूर्ण है। और जो भी इनके काल से रिलेटेड है वो मैंने जैसा कि आपको शुरू में भी बताया कि हिंदी साहित्य के नाम से एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उसमें वो सारी चीज़ें डिटेल में बता रखी हैं कि कौन कवि भक्ति काल से है, रीति काल से है, आधुनिक काल से है, भारतेंदु युग, सारे युगों की मैंने उसमें चर्चा की है।
तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर नहीं मिलता है तो कमेंट करें, हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे जिसके ज़रिए आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं अज्ञेय। अब अज्ञेय ने क्या रचना की है दोस्तों, इत्यलम की है। इंद्रधनुष रौंदे हुए और हरी घास पर छाण भर, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको भी नोट कर लीजिएगा। महादेवी वर्मा की बात कर लेते हैं, इनकी भी सभी रचनाएं क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आएंगी। कौन कौन सी, यामा, निहार, नीरजा, रश्मि, ये चारों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रमुख उपन्यासकार और उनकी रचनाएं। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख उपन्यासकार से रिलेटेड, तो उसमें पहला नाम है दोस्तों देवकी नंदन खत्री का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। तो इन्होंने कौन कौन सी रचना की है उपन्यास, तो इन्होंने चंद्रकांता, जो कि आप लोग टीवी पे आता भी था पहले, आप लोगों ने में बहुत से लोगों ने देखा होगा, वो चंद्रकांता जो उपन्यास पे बेस्ड था, जिसे किसने लिखा है, देवकी नंदन खत्री ने लिखा है। अब चंद्रकांता अगर इन्होंने लिखा है तो चंद्रकांता संतति भी इन्होंने ही लिखा होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों भूतनाथ। भूतनाथ भी देवकी नंदन खत्री ने लिखा है, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रेमचंद की, कि इन्होंने कौन से उपन्यास लिखे हैं प्रमुख, तो देख लीजिए गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, कायाकल्प, मंगलसूत्र। अब दोस्तों इसके आगे लिखा हुआ अपूर्ण, अपूर्ण यानी कि ये जो उपन्यास था वो पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, पूरा नहीं हो पाया, अधूरा हो गया, क्यों, क्योंकि इनकी बीच में ही मृत्यु हो गई थी। तो ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, इन सभी को नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो इसको नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के ऊपर प्रमुख उपन्यास दोस्तों कौन सी हैं, तितली, कंकाल और इरावती, ये वेरी इंपॉर्टेंट में है दोस्तों। इनके एक भी, जितने भी उपन्यासकार के हम नाम बताएंगे उन्हें एक भी आपको छोड़ के नहीं जाना, सारे आपको तैयार करके जाने, तभी आप परीक्षा में आपको कुछ भी नया क्वेश्चन वहाँ पर नहीं मिलेगा। और ये भी याद कर लीजिए कि कौन सा उपन्यास है, ठीक है, नहीं तो वो जयशंकर प्रसाद के और भी जैसे झरना दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि झरना जो है वो उपन्यास नहीं है। ठीक है, तितली उपन्यास है। तो इस तरीके से आप इसको याद करिए कि जिससे आपको पता हो कि कौन सा नाटक है, कौन सा उपन्यास है, कौन सी कहानी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो तितली, कंकाल और इरावती, ये तीनों ही क्या है, उपन्यास है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यशपाल की, तो यशपाल ने क्या लिखा है, झूठा सच, पार्टी कॉमरेड और देशद्रोही, ये तीनों ही दोस्तों उपन्यास हैं और तीनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं यशपाल की। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है। अब अज्ञेय की बात कर लेते हैं, अज्ञेय ने क्या लिखा है उपन्यास, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है अज्ञेय की। इलाचंद जोशी की दोस्तों बात कर लेते हैं, इन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा है, तो इन्होंने लिखा है सन्यासी, लज्जा और मुक्तिपथ। अब इसको दोस्तों इलाचंद जोशी को आप याद कर लीजिए कि ये कोई सन्यासी है जो कि क्या करता है, लज्जा करता है और वो हमेशा मुक्ति के पथ पे जाता है। ठीक है, सन्यासी क्या करते हैं दोस्तों, मुक्ति के पथ पे ही जाते हैं। तो इस तरीके से आप एक कहानी टाइप का या जो भी आपको सेट पड़े आप उस तरीके से ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं फणीश्वरनाथ रेणु, इन्होंने कौन सी उपन्यास लिखी है इंपॉर्टेंट, मैला आंचल और जुलूस, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको भी आप लोग नोट कर लीजिए। नागार्जुन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो नागार्जुन ने क्या लिखा है, रतिनाथ की चाची, बाबा बटेसर नाथ और नई पौधी, ये तीनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपन्यास हैं। और दोस्तों ये उपेन नाथ अश्क की बात करते हैं, इन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा इम्पॉर्टेंट, तो गिरती दीवारें, गर्म राख और जय पराजय, ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हैं भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा ने क्या लिखा, भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा और राहुल संकृत्यायन। राहुल संकृत्यायन ने क्या लिखा है दोस्तों, सिंह सेनापति, मधुर स्वप्न और विस्मृत यात्री, तो ये भी क्या है दोस्तों, उपन्यास हैं। तो राहुल संकृत्यायन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनको भी आप लोग नोट कर लेना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रमुख नाटककार और उनकी रचनाएं, तो प्रमुख नाटककार कौन है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद, आप लोग जानते ही होंगे। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ कौन सी हैं, नाटक अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है, तो ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नाटक के लिए। इन्होंने कौन सी रचनाएं की, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी, स्कंदगुप्त, जन्मजय का नाग यज्ञ, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा और इनको याद कर लीजिएगा, नोट भी करते रहिए। ठीक है,
अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रमुख कहानीकार और उनकी रचनाएं। अब कहानीकार कौन है प्रमुख? दोस्तों तो आप लोग जानते हैं प्रेमचंद्र का नाम प्रथम पंक्ति में आता है कहानीकारों में, ठीक है। तो इन्होंने कौन सी रचना की है? नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, कफन, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा और ईदगाह। ये सभी इनकी इम्पॉर्टेंट कहानियाँ हैं, इनके नाम आप लोग ज़रूर एक बार देख के जाइए, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु ने कौन सी प्रमुख कहानियाँ लिखी हैं? तो दोस्तों ठुमरी, पंचलाइट और लाल पान की बेगम, ये तीनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनको भी देख लीजिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं कहानी? तो आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि, आंधी। अब दोस्तों जैसे जयशंकर प्रसाद ने नाटक भी लिखे हैं, कहानी भी लिखी हैं, जो जो चीज़ें भी लिखी हैं, तो उनको आप एक अलग अलग तरीके से याद करिए कि इनकी कहानी कौन सी है वो आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल काव्य कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए, और अगर उन्होंने नाटक की रचना की है तो वो कौन कौन से होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों अज्ञेय की। तो अज्ञेय ने कौन सी रचना की है? विपथगा और शरणार्थी। ये दोनों ही बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों भीष्म साहनी ने कहानी कौन सी लिखी है? भाग्य रेखा, पहला पाठ और भटकती राखी। ये तीनों इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखिए मैंने जो भी इसमें दिया है वो सारे ही महत्वपूर्ण है, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं दिया आप लोगों को, जिससे कि आप लोग कम समय में ज़्यादा तैयार कर सकें, क्योंकि ये ऑलरेडी ही इतना बहुत है कि आपको याद इतने तो होने ही चाहिए, ठीक है। अब सुदर्शन देख लेते हैं। सुदर्शन दोस्तों कवि की स्त्री, हार की जीत और आशीर्वाद, तो ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए है, ये मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है, ये आप लोग बताइएगा किसका आंसर क्या होगा। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है? तो ऑप्शन आपके पास ये चार दिए गए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं पिन कर दूंगा, बाकी सब लोग देख लीजिएगा। मुझे लगता है इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा, बहुत ही फेमस है रानी केतकी की कहानी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, हिंदी के प्रसिद्ध कवि, उनकी रचनाओं, उपन्यास, नाटक और कहानी से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और इतना पढ़ाने के बाद अब आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में छूटेगा नहीं। और अगर आपने वो जो हमारा साहित्य का वीडियो है वो नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, और वो देखने के बाद आपका कहीं भी 5 नंबर कम से कम आपको परीक्षा में रचनाओं से रिलेटेड जो है वो मिल जाएगा बड़ी आसानी से। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल ब्लैकबोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में और भी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। ऑलरेडी हमने 42+ वीडियोज़ डाल रखे हैं हिंदी ट्रिक से रिलेटेड, अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं उनको। इस अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको एक लिंक प्रोवाइड कराएंगे जिसके ज़रिए आप हमारे उस प्लेलिस्ट तक पहुँच सकते हैं। अगर आपका आज की वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाकर आप तक उस वीडियो को पहुंचाएं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे आप टेलीग्राम ऐप में जाके ब्लैक बोर्ड हिंदी के नाम से आप उसे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जल्द ही उस पर आपको नोट्स भी मिलने वाले हैं, और वीडियोस तो आपको ऑलरेडी उस पर प्रोवाइड किए ही जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।